आज का सब्जी बहुत ही लाजवाब बना है और देखते ही बना लेंगी। कुक विद वीना में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 500 ग्राम परवल ले लिया है और अच्छी तरह से इसको छील लेंगे और दोनों साइड से इसको हम थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। छील के हम एक प्लेट में रख लिया है और बीच से हम चीरा लगा देंगे, यानी दो भाग में एक परवल को बांट देंगे। इस तरीका से हम बांट कर एक प्लेट में रख लिया है और एक प्लेट ले लिया है। उसके अंदर हम दो टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे, एक प्याज को भी काट लिया है बारीक और दो हरी मिर्च को भी काट लिया है और चार आलू ले लिया है, उसको छील के लंबे आकार में काट लिया है। आज कुछ अलग तरीका से सब्जी बनाएंगे, इसलिए इस तरीका से मैं काट रही हूँ। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें तेल डाल देंगे और गर्म हो जाएगा तेल तो परवल को हम फ्राई कर लेंगे। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है और आगे वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ। इसमें जो कोई भी कमी भी रह जाए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये नहीं सही ही बताएं। देखिए परवल फ्राई हो चुका है, अब इसी के अंदर हम आलू फ्राई कर लेंगे। ये सब्जी आप रोज तो नहीं बना सकते हैं इतने तेल वाले मसाले वाले, लेकिन विशेष दिन पर ज़रूर बना सकते हैं या कोई मेहमान आ गया तो ज़रूर बना सकते हैं। हम भी नहीं रोज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर हम आलू परवल को निकाल लिया है और सेम कढ़ाई में एक चम्मच हम जीरा डाल दिया। जीरा को तरकने देंगे, उसके अंदर हम हरी मिर्च डाल देंगे और उसके अंदर फिर से हम प्याज डाल देंगे। प्याज कलर बदल जाए तो उसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। आप कहेंगे बीना जी इतना टमाटर महंगा हो गया, अब सब्जी में कितना टमाटर डालते हैं। नहीं, हम दो टमाटर डाले हैं। एक चम्मच हम नमक यानी स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और ढक्कन लगा कर इसको पकने देंगे। देखिए अभी टमाटर डाला है, उसके अंदर पानी है तो इसको पकने देंगे टमाटर को। अब इसके अंदर मसाला डाल देंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चार चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे। फिर लास्ट में एक चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्ची डालकर अच्छी तरह से मसाला को मिलाएंगे और धीमी आंच पर इसको पकने देंगे। धीरे धीरे हम इसको कम आंच पर पकने देंगे, नीचे से जले नहीं ये ध्यान रहे। मसाला पक चुका है, इसके अंदर हम भुना हुआ आलू डाल देंगे, फ्राई किया हुआ आलू परवल डाल देंगे, पहले के जमाने में परवल की सब्जी को शाही सब्जी बोला जाता था, अब तो पनीर के सब्जी बनाते हैं उसको शाही पनीर बोलते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में परवल को शाही सब्जी बनता था। किसी के घर में बनता था ना तो बहुत ही अच्छे मानते थे। अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे ऊपर नीचे करके, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मिलाएंगे नहीं तो आलू टूट जाएगा, और ढक्कन से 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। फिर चला लेंगे सब्जी को, ऊपर नीचे कर लेंगे। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी पराठा ऐसे भी खा सकते हैं। फोक से दिखा रही हूँ, देखिए पक चुका है, आलू भी पक चुका है, परवल भी पक चुका है, मसाला भी भून चुका है, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। आपस में मसाला और सब्जी घुल मिल जाए इससे और स्वादिष्ट सब्जी बनता है।
इसको हम ढक्कन से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ढक्कन खोल दिया, अब हल्के हाथों से चला लेंगे। फिर इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और ऊपर नीचे करके हम मिला लेंगे। लगभग सब्जी तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम ढेर सारा धनिया पत्ता डाल देंगे। ये सब्जी आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर एक बाउल में हम निकाल रही हूँ, आपको देखने में कितना बढ़िया लगता है आप ही बताएंगे। ये सब्जी रोटी, पराठा, नान, चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ पिछले वीडियो की तरह ये भी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में फैमिली में शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।